ಇನ್ನು ನೀವು ಎ ಟು ಜೆಡ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. My name is Ali. Ali. Yes. My name is Muhammad Salim. Okay, Muhammad Salim. Yeah. Okay, okay. And I came to Iran. Muhammad Salim. Yeah, you can tell the Indian people, please come to Iran. Okay. But you can tell them in Indian. Okay. I hope the India people, I have a request. Okay. Please come. India people is go to Iran as and everything is in Iran is okay, not have a problem. And Iranian people is very, very good people. I experience you guys are wonderful. Okay. Very thanks. Friendly. Yeah. Thanks. Yeah. I hope you have a good day for everything and every people over there. MashaAllah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Iran mein kum ko aaye. और अभी साइकिल फिक्स कर रहे हैं. ये है साइकिल की हालात. बस अभी एक आधा घंटा एक घंटे में दो साइकिलें भी फिक्स कर लेंगे जी. तो बाद में इंशाल्लाह जी. सलाम अलैकुम रिजवान, खैरियत? कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, ठंडी चल रही है. अच्छा, बहुत ठंडी है. हाँ, इधर बहुत ठंडी है. और तहरान में आज इंशाल्लाह, अभी हम कूम में हैं, कूम करके एक गांव. तो तहरान में अभी स्नो पड़ने का चांस है और बारिश भी और हवा चलने की चांस है. उसलिए हम सोच रहे हैं कि आज अवॉइड करके कल हम तहरान को जाएंगे. और ठंड ज़्यादा है इधर, उसके बावजूद भी अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया कि सेहत अच्छी है, ठंड ना लग जाए. तो आज हम साइकिलिंग फिट करके तहरान जाएंगे. तहरान से इधर बंदर अब्बास जाएंगे. तो बस अभी एक घंटे में साइकिलिंग फिट हो जाएगी. बस चलते रहेंगे इंशाल्लाह. अल्लाह अल्लाह, सफ़र तो बहुत अच्छा गुजर रहा है. हम अल्लाह के पास शुक्रिया अदा नहीं कर सकते. ऐसे ऐसे लोगों को भेज रहा है मदद के लिए. कल यहाँ सकलेन भाई करके, वो हिंदुस्तान से हैं, वो आके हमको मदद किया. और असगर भाई, वो भी हिंदुस्तान बेंगलुरु से हैं, वो भी हमको आके मदद कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ भी जाओ अल्लाह की मदद हो रही है. हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कैसा अल्लाह मदद भेज रहा है. ये हज़रत खुमैनी जो ईरान के लीडर थे, वो आराम फरमा रहे हैं इधर. यहाँ करीबन ये 200-300 एकड़ में इनका मुसल्ला बना गया है. इसके बाजू जो भी लोग ईरान में शहीद हुए हैं जंग में वगैरह वगैरह, करीबन 100 एकड़ में उनकी जगह बनाई है जी. अल्हम्दुलिल्लाह. ये जो सामने का है ये चांदी है, और अगर आप थोड़ी ऊपर देखेंगे ये पूरा सुनने का बना गया है. और थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको अंदर मज़ार दिखाई देगी जी. आप देख सकते हैं अंदर आराम फरमा रहे हैं. ಇನ್ನು ನೀವು ಎ ಟು ಜೆಡ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ.